प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गाजियाबाद नगर निगम में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों ने सांकेतिक तौर पर सड़क से कूड़ा इकट्ठा किया, कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर नगर निगम के कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गाजियाबाद नगर निगम में स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। इसमें लोगों के चलते हुए सांकेतिक तौर पर सड़कों पर से कूड़े को इकट्ठा करते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो वहीं नगर निगम की मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि नगर निगम की तरफ से कार्यक्रम के इस मौके पर लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई और उनसे स्वच्छता की मुहिम में अन्य लोगों को जोड़ने के लिए भी कहा गया। बता दें कि हिंडन किनारे आयोजित इस कार्यक्रम में गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग, मेयर सुनीता दयाल समेत नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मेयर और सांसद की तरफ से वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया। देखिए, आज 17 सितंबर का दिन जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इसी के उपलक्ष्य में जो 2014 से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था उसमें आज 10 वर्ष क्योंकि पूरे हो रहे हैं तो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें हमने सबसे पहला इवेंट जो है वो प्लॉग रन का रखा है और हिंडन नदी के किनारे जितनी कूड़ा कचरा है उसको हम लोग प्लॉग रन करते करते उठा रहे हैं और एक स्वच्छता का मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं पूरे जनपद वासियों को, पूरे शहर वासियों को। वहीं नगर निगम के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर प्लॉग रन कार्यक्रम का आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, उसको भी 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में स्वच्छता मिशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए यह हिंडन किनारे साफ सफाई का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त भारत सरकार की तरफ से स्वच्छमेव जयते का जो मैसेज दिया जा रहा है उसे जन जन तक पहुंचाया जाए। वहीं नगर आयुक्त ने ही अभी हिंडन का प्रदूषण दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ 2 एसटीपी प्लांट को शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि हिंडन 300 किलोमीटर के दायरे में बहती है, ऐसे में अगर जहाँ जहाँ से बहकर आ रही है सभी एजेंसियां उस पर ध्यान दें तो इसे साफ जरूर बनाया जा सकता है। देखिए, हिंडन नदी 300 किलोमीटर बहती है, सहारनपुर से शुरू होती है और सहारनपुर से गाजियाबाद आने तक वो शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ होके गाजियाबाद में आती है और गाजियाबाद में आने के बाद भी पहले ग्रामीण क्षेत्र में 55 किलोमीटर बहती है, पहले ग्रामीण क्षेत्र, फिर जीडीए का क्षेत्र, फिर 5-7 किलोमीटर नगर निगम क्षेत्र, फिर आवास विकास, फिर उसके बाद नोएडा जाती है। तो मेरा ये मानना है कि हर जनपद अगर अपना अपना क्षेत्र में सफाई का प्रयास करे, थोड़ा थोड़ा डू योर बिट करे, तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो हिंडन नदी में अच्छा आएगा। जैसे कि अगर हम नगर निगम की ओर से माने तो ये एक सांकेतिक शुरुआत तो हमने की है। बहरहाल, गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से चलाए इस स्वच्छता कार्यक्रम के तहत हर घर तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाने के साथ जिन जिन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। गाजियाबाद से टोटल टीवी के लिए कणवीर कश्यप की रिपोर्ट।